था, तुरंत का तुरंत हुआ था, तो इसमें कैसे बोल पाते। तो कोई बात नहीं, खैर जो हो गया तो अभी भी मांगते हैं, प्लीज आप लोग क्षमा कर दीजिएगा जो भी गलती हुआ होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो मतलब जो भी मीडिया वाले इतना गलत अफवाह फैला रहे हैं ना, तो उसके लिए आरती जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत चिंतित में रहती है, इसका देखिए गला उला सब लग गया है, जो कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, इनसे ही पूछते हैं। बोलिए। देखिए, मैं आप लोग से कल भी बोल चुके हैं और आज भी बोल रहे हैं, जो गलती हुआ है, जो आप सब बोले होंगे, हम हो सकता है कि उस वक्त काफ़ी मीडिया वाले सब थे। हम ये बात नहीं कहते हैं कि अपने को हम गलती नहीं मानते हैं, सो बात नहीं है, हम अपने को गलती मानते हैं। मान के चलिए वहाँ पे एक नहीं कितने मीडिया वाले थे, आप भी मतलब आप मीडिया वाले, हम तो पहचानते नहीं हैं कि किसको रजिस्टर हुआ है, किसको क्या हुआ। यूट्यूबर थे, ब्लॉगर थे, काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस एक आदमी नहीं, क्या क्या आदमी बोलते थे, कितने आदमी बोलते थे, तो हम जिसका आवाज़ सुनते थे तो हमको भी थोड़ा आक्रोश आ गया था। तो इसमें हम बोल दिए होंगे, तो उसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं, जो गलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा कीजिए आप लोग। आगे से ऐसे मतलब इस तरह का नहीं निकलेगा कोई। आप लोग यही मतलब उठा रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं, शादी किए तो नहीं बुलाए। ठीक है, हम गलती मानते हैं कि हम किए तो नहीं बुलाए, एक बड़ा गलती हुआ है, सबसे बड़ा गलती हुआ है, हम समझते हैं कि नहीं बुलाए। एक देखिए उसमें भी बुलाते हम लोग, समझते मतलब वो सबसे राय लेके ही करते। तो लेकिन यहाँ पे जो है कुछ थे आदमी सब, गाँव समाज के आदमी सब थे, तो बोले क्या कि देखो अभी मतलब मत बुलाओ मीडिया वाले भाई सबको। तो इसी कारण हम लोग पापा सब नहीं बोल पाए। और क्या मतलब ज़्यादा दिन से एक दो रोज से और आगे तर होता है कोई बात विचार तब तो एक। तो देखिए वहाँ पे जो हल्ला हो रहा था, मतलब हम आक्रोश में उतना नहीं, मतलब आक्रोश भी नहीं हुए उतना, थोड़ा यही हुआ कि जोर से बोल दिए। तो कुछ एक दो शब्द जो है ऐसे बोला गया होगा कि ओ मतलब देखिए आप ही लोग इतना हल्ला कर चुके थे। कायद कोई भी रहे उस हालात में, कोई भी रहते तो कोई भी गुस्सा हो जाते। आप लोग भी खुद गुस्सा गए थे, और ख़ास करके पापा थे वहाँ पे। आप लोग जैसे जैसे बात बोलने लगे, उसका बीपी हाई हो जाता है, उससे कुछ हो जाता तो फिर क्या, आखिर देखना पड़ता ना हम लोग को, कुछ गिरिए जाते या कुछ हो ही जाता। तो इसीलिए उसी के कारण से, उसी की वजह से जो है ना, मतलब हम लोग को थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, आक्रोश में आना पड़ा। तो इसके लिए अभी भी हम क्षमा मांगते हैं, अभी जो बोले होंगे ना उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं, प्लीज आप लोग क्षमा कर दीजिए। तो देख लिए दोस्तों, आरती जी बहुत इमोशनल हो गई है कि मतलब उस दिन जो लफड़ा हुए हैं, जो कि हम लोग का गलती नहीं था, हम लोग कर लफड़ा करना नहीं चाहते थे, वो लोग हम लोग को उसकाए, हम लोग को जिस मुद्दे पे बात उखरा था उस मुद्दे पे बात करते वो लोग, लेकिन उस मुद्दे को छोड़ के और दूसरे मुद्दे मतलब बात करने लगे। तो देखिए मतलब मीडिया वाले भाई सब बोलते हैं कि हम लोग मीडिया वाले हैं तो हम लोग का क्वेश्चन करना वाजिब होता है। बात तो खैर सही है, आप लोग का क्वेश्चन करना वाजिब बनता है तो ठीक है कीजिए, लेकिन कोई एक व्यक्ति करते तब ना। आप ही लोग बताइए कितना शोरगुल वहाँ पे मच रहा था, तो हम कैसे दे सकते थे। तो देख लिए दोस्तों, आरती जी कैसे बोल रही है, बहुत ही इमोशनल हो गई थी, मतलब रात भर चिंतित रहती है, और उनका तो पूरा गला लग गया है, आवाज़ नहीं निकलता उतना, फिर भी बोल रहे हैं। आप लोगों को जो भी गलत अफवाह फैला रहे हैं उन लोगों से बोल रहे हैं कि गलत अफवाह ना फैलाएं। और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ऐसे मतलब सब मीडिया वाले भाई सबको, सब यूट्यूबर वाले भाई सबको हम नहीं बोलते, जो गलत इस तरह का बोल रहे हैं कि अभी नहीं करना चाहिए था, इतना जल्दी हो गया। तो देखिए भाई, अब जो हो गया तो हो गया, अब इतना प्लीज मत फैलाइए। बहुत आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत माफ़ी मांग चुके हैं, अब भी थोड़ा कम कीजिए। इसमें देखिए कोई गलत ना है, अगर मेरा भाई का शादी हुआ होता ना तो हम नहीं करते, शादी हुआ नहीं था इसीलिए कर लिए। बहुत बोल रहे हैं कि भैंसुर, क्या मतलब कैसे भैंसुर हुए, खाली सिर्फ प्रेम किया था, शादी नहीं किया था। हम लोग का हिंदू में क्या है कि जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक पत्नी नहीं होता है। अगर शादी किए होते तो हम जरूर इसको भावो मानते, भैंसुर मानते, लेकिन शादी नहीं हुआ था इसीलिए गाँव समाज सब समझ करके, राजी मंदिर सबके राजी मंदिर से तब शादी किए हम लोग, ऐसे नहीं किए। और आप लोग ये भी बोलते, मतलब कोई मीडिया वाले ही भाई बोले थे क्या, एक कोई एक मीडिया वाले भाई का हम मतलब इंटरव्यू सुने हैं कि आखिर आरती बार बार बोल रहे कि समाज के में समाज सब जो बोले वही किए, आखिर उस वक्त मतलब दो तीन वीडियो में सुने हैं, दो तीन आदमी का था, खास हम नाम तो नहीं बोलना चाहेंगे अभी, तो उसमें जो बोले क्या कि अभी समाज बक रही है, आगे तभी का समय में समाज क्यों नहीं था, तभी समाज क्यों नहीं बचा पाया उसको, तभी भी देखिए तभी भी जो है ना समाज थे वहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं था कि समाज नहीं था,
लेकिन अचानक ये कैसा हो गया कि रूम में बंद था समाज, लेकिन थे घर में, आंगन में थे, बैठे हुए वहाँ पे भी समाज थे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, किसी को पता नहीं था, ऐसा कांड हुआ नहीं था, इसीलिए ऐसा हो गया। नहीं तो समाज को विश्वास नहीं था कि इस तरह का होगा, और कहीं भी होता तब तो पता रहता कि इस तरह का होता है। तो उस वक्त भी समाज से बैठे हुए, और उस वक्त भी समाज नहीं रहता तो हम लोग इतना आगे अभी तक नहीं आ पाते, इतना नहीं जी पाते, तभी भी हम लोग चले जाते, इतना नहीं आ पाते। तो प्लीज ये बात मत बोलिए कि बार बार आरती बोल रहे कि समाज समाज, आखिर समाज को सब दिन लेके चले हैं। उस वक्त भी थे समाज, जब छोटू से शादी भी कोई भी रहे, उस वक्त ऐसा होता जब शादी कराने की बात आए थे तो समाज वहाँ पे बैठे थे। एक शुरू से तो आप लोग कहानी जानते हैं, फिर भी ऐसे कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, तब तक के लिए बने रहे, और वीडियो में आगे वीडियो में और ज्यादा बताएंगे। तब तक थोड़ा तबीयत भी ठीक हो जाता है।